है, यही सच्ची देशभक्ति हो। ठिकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रणगांव में विस्फोटक सामग्री की चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अनिल मालविया के पास विस्फोटक सामग्री रखने और उपयोग करने का लाइसेंस है। इसके अनुसार उन्होंने रणगांव के पास गोडाउन में अपना विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। फरियादी ने बताया कि बुधवार की रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोडाउन की दीवार तोड़कर वहां पर रखी हुई विस्फोटक सामग्री में से 29 पेटी जिलेटिन में से 600 किलोग्राम चोरी कर लिया है, जिसकी सूचना उन्होंने ठीकरी थाने पर दी। थाना प्रभारी विनय आर्य ने बताया कि फरियादी के आवेदन पर घटना स्थल पर जाकर जाँच एवं निरीक्षण किया, जिसमें गोडाउन की दीवार होना पाया गया। निष्कर्ष पूरी जांच और रिकॉर्ड देखने के बाद निकलेगा। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के मतदान प्रक्रिया होना है, इस समय क्षेत्र में इस तरह की बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का चोरी हो जाना किसी बड़े खतरे की आशंका को जन्म देता है। यदि यह विस्फोटक सामग्री किसी असामाजिक तत्व या दहशतगर्दों के हाथ में लग जाती है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और संपूर्ण समाज को इसका खामियाजाना भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से जाँच में जुटी हुई है और उनका कहना है कि जल्द ही मामले की तह तक जाया जाएगा और असलियत सामने लाई जाएगी। अनिल मालविया। अच्छा, क्या मामला था सर? ये एक्सप्लोजिव गोडाउन में चोरी हो गई थी। अच्छा, कहाँ पर? दवाना रणगांव। क्या पूरा मामला? वह जिलेटिन रखा हुआ था, नाइट में गए थे, चेक करके हम आए थे, कंप्लीट था। सुबह में गया तो वहाँ पे दीवार के पीछे बड़ी भगा, मतलब बड़ी छेद हो रखा था। फिर मैं आके सूचना दी थाने पर, साहब लोगों ने तफ्तीश दी, अब मामला थाने में है। अच्छा, इससे जिलेटिन से कहीं कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है? नहीं नहीं, इससे कोई विस्फोट नहीं होने के चांस है। अच्छा, उसमें सुरक्षा के वो थे? हाँ, सुरक्षा के थे। ठीक। ये दवाना के पास रणगांव है, जहाँ पर लाइसेंसी जो है बारूद रखने का इसका कारखाना है, इसमें जिलेटिन की रॉड और डिटोनेटर वगैरह रखे हैं जी, जो ये ब्लास्टिंग के लिए आसपास के क्षेत्रों में काम आता है, कुएं में, नहर में और कोई बेसमेंट के काम है इसमें जी। इसमें कल इसके जो मालिक हैं उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है कि पीछे से दीवार में छेद करके कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस के और इनके कुछ जो है मैगजीन वगैरह चुरा कर ले गया है। अच्छा, कितनी में सर मैगजीन वगैरह की कुछ जानकारी? कितना इसमें इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड देखने के बाद जो है 23 पैकेट्स बताए हैं, उसमें 6 पैकेट बड़े भी बताए हैं और इस तरह टोटल 29 पैकेट ये और एक दो खुले पैकेट, ऐसे करके 31 पैकेट का टोटल सूखा बताया। कुल कितने और भी अतिरिक्त पैकेट रखे होंगे सर, ऐसा कुछ जानकारी? अभी भी वहाँ 8 बड़े पैकेट रखे हैं और 32 जो छोटे पैकेट हैं जिनका वेट 25 किलो है जी, वो अभी भी रखे हैं, मौजूद है। तो सर इसमें FIR हो गई है? हाँ, इसमें FIR हो गई है, इसको हमने विवेचना में ले लिया है जी। और हम इसको हर स्तर पर सुपरविजन ऑफिसर के नेतृत्व में, हमारे SP साहब के नेतृत्व में, SDOP साहब, एडिशनल SP साहब, उनके नेतृत्व में हम इसकी विवेचना कर रहे हैं। ठीक है।